नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज में हुए पीस कमेटी की मीटिंग में 12 रबीउल को जुलूस का मना जिस तरह से किया गया था, पब्लिक के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिली। आज उसी नाराजगी के चलते नगर पंचायत भारतगंज के चौराहे पे लोग एकत्रित होकर अपनी अपनी बातों को बताते हुए अपनी नाराजगी को रखते हुए, साथ में उनके साथ कुछ समाज सेवी भी हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं। उस पारंपरिक रूप से सोना साहब के मजार से शुरू होता है और मस्तान साहब के आस्थाने तक जाकर समाप्त किया जाता है। जी, ये भारतगंज के जुलूस का आपने रूट बताया कि सोना साहब बाबा के मजार से शुरू होकर बाबा मस्तान साहब तक ये जुलूस जाता है। कल जो पीस कमेटी की बैठक हुई, तो क्या उसने आदेश क्या दिए हैं जुलूस के लिए? कल पीस कमेटी की बैठक में SDM मेजर रेणु सिंह और एसोमांडा अवन कुमार दीक्षित साहब से वो लोग केवल मुस्लिम समाज को बुला के, भाई पीस कमेटी मीटिंग तब होती है जबकि दोनों समाज के लोग हो कि क्या होना है क्या नहीं। एक कल मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर कहा गया कि ऐसा कि आप लोग जुलूस का कार्यक्रम नहीं करेंगे, जो भी आपको फातिया और न्याज करना हो अपने अपने घरों मस्जिदों में पांच पांच आदमी के साथ जाके अपना कार्यक्रम पूरा कर लें, लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। जबकि एक दिन पहले अभी विसर्जन में हजारों हजार की संख्या में लोगों को जाना आना, कोई विरोध नहीं, कोई रोक नहीं था। तो आज ये हम लोगों के साथ, भारतगंज के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसके क्या कहूँ। तो इसके लिए क्या SDM ने कोई लिखित आदेश दिया है कि प्रदेश सरकार की ओर से या उच्च अधिकारियों की ओर से कोई लिखित आदेश आया है? नहीं, ये बात रखा गया है कि मुख्यमंत्री का कोई किसी तरीके का आदेश नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, अखबार नहीं है और किसी तरीके का दिशा निर्देश नहीं है। फिर आप ऐसा या लिखित कोई DM का आदेश हो दिखाए, तो SDM साहब ने कहा कि मुझे, मेरे पास लिखित आदेश नहीं है, मौखिक आदेश है। जी, तो आज मौखिक आदेश जुलूस रोकने का है, जुलूस न निकाले। जी, जुलूस न निकाले और न निकाले। उसी संबंध में आज हम सब भारतगंज के प्रतिनिधि मंडल सब जा रहे हैं DM साहब से मिलने। DM साहब से अपनी बात रखेंगे, फिर उनका जैसा निर्णय होगा फिर हम लोग किया जाएगा। जी सर, इसके बारे में बताइए कि क्या कल पीस कमेटी की क्या बैठक हुई है, पीस कमेटी की बैठक में क्या आदेश आया है? पीस कमेटी की बैठक में मैं मौजूद नहीं था, पर वहाँ मुझे ऐसा पता चला कि पीस कमेटी की मीटिंग में ये कहा गया कि हमको, हमारे पास जो है मौखिक आदेश है ना कि लिखित आदेश है। तो मौखिक आदेश जो है कोई ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा तो दिया नहीं गया है, मुख्यमंत्री द्वारा तो बताया गया लोग अपना त्यौहार मनाए और ये कोई जुलूस नहीं है। मूर्ति विसर्जन में भी कोई जुलूस, अगर बता रहे हैं मूर्ति विसर्जन में सिर्फ मूर्ति विसर्जन किया गया है वो जुलूस नहीं है, तो जुलूस तो ये भी नहीं है। ये भी तो सोना सा की जो है जियारत से मस्तान सा तक की जियारत की जाती है, दर्शन किया जाता है, सोना सा का दर्शन करके वहां से सीधा पब्लिक जाती है, मस्तान सा का दर्शन करती है। इसमें कोई वो जुलूस का मामला तो था नहीं जिसको रोका गया है। अगर इस तरीके का करा जा रहा है तो ये एकदम सरासर एकदम दोगला व्यवहार है और इसमें राजनीतिक दोगला व्यवहार नहीं कह सकते। इसमें जो भी है दोगला व्यवहार वो डायरेक्ट बता रहे हैं कि DM और SDM द्वारा कहा जा रहा है ऐसा। तो कोई आदेश नहीं, ऐसे इसको ऊपर का कोई आदेश नहीं है, ना ही कोई लिखित आदेश है। इसको डायरेक्ट एक टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय तरह जो है किसी विशेष समुदाय पे जो है टारगेट किया जा रहा है कि आप जो है जुलूस को ना निकालें। और ये जुलूस नहीं है, हम फिर कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 12 रबी अव्वल का त्यौहार है जिसमें सोना सा से लेकर मस्तान सा तक की जियारत की जाती है, लोग वहाँ पे जाके जियारत कर रहे हैं, ये आने वाले 40 साल से किया जा रहा है और इसको मना कर रहे हैं। बाकी हम लोग जा रहे हैं आज जो है DM के यहाँ, वहाँ से देखते हैं परमिशन मिल जाती है तो जुलूस उठेगा। आगे आपका क्या पहल होगा? आगे हमारा यही पहल है, मेरी सबसे पहली पहल है, मैं जा रहा हूँ DM ऑफिस, वहाँ से पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ के लिए जिस संबंध यहाँ पर लोग जो यहाँ की जनता है काफी नाराज है, ऐसा कि आप जानते भी, जनता नाराज होने वाला काम ही किए हैं तो नाराज तो होगी जनता। क्या मैसेज होगा? मैसेज क्या होगा, अब जनता के साथ तो पूरी जनता तो वहाँ जा नहीं सकती, उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ लड़ाई। अगर कोशिश करता हूँ कि अगर DM के यहाँ से आदेश आ जाता है तो जुलूस निकलवाया जाएगा। धन्यवाद। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।